बैग स्कूल बैग बनाता था, स्कूल वगैरह बंद हो गए तो मैं गांव चला गया था। मेरा गांव बिहार है तो गांव चला गया था। फिर गांव से आने के बाद स्कूल तो बंद ही था, तो काम चल नहीं रहा था। तो कुछ दिन काम करा लेकिन बिल्कुल घर चलाना मुश्किल हो रहा था, तो फिर ये काम शुरू करा। तो अभी इंशाल्लाह मेरे को 11 महीने हो गया है। आइटम चने बटले आलू के साथ झाल मुरे 10 रुपए की भेल में ये 10 आइटम डालते हैं हम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आमची इंदौर चैनल में। दोस्तों आज हम आपको एक भैया की स्टोरी बताएंगे जो कि कोलकाता की फेमस झालमुरी इंदौर में देते हैं, और भैया राजवाड़ा और धान गली के एरिए में आपको मिल जाएंगे साइकिल पे। दोस्तों भैया गली गली में जाकर 10 रुपए की, सिर्फ 10 रुपए की झालमुरी देते हैं, जिसमें कि वो 10 रुपए में 10 आइटम डालते हैं। तो काफी मेहनत करते हैं, गली गली में जाके बेचना बहुत मेहनत का काम है दोस्तों। और भैया पहले ना बैग बनाते थे, लेकिन अब उसके बाद इन्होंने अपना ही काम चालू किया है और अभी भी मेहनत कर रहे हैं। तो भैया को सपोर्ट जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए उनकी पूरी स्टोरी देखते हैं। पहले बैग का काम करता था, स्कूल बैग का। तो लॉकडाउन के बाद काम बंद हो गया बिल्कुल। तो मेरे दोस्त ने एक बेच रहा था बॉम्बे में, तो उसने बोला कि ये काम शुरू कर दो। तो मेरे को दिमाग में आया, काम हो नहीं रहा था, घर बार चलाना मुश्किल हो रहा था, तो हमने भेल शुरू करा। ये अपना सेटअप तैयार। ये इसमें क्या, चटनी? हाँ। ये चने? चने। ये मटर? बटले। बटले। ये नमकीन? चरखे में। अच्छा। ये मीठी? ये फीकी से? फीकी से। आलू? आलू। ये प्याज? प्याज। और ये? ये जीरावन हो सर। जीरावन, ये जीरावन है। अच्छा। और ये परमल? हाँ। क्या मतलब एक ही उस पर ये आपने बनवाया होगा सेटअप? जी हाँ। अच्छा। ये बालक है? हाँ। ये क्या ऑयल भी? हाँ सरसों तेल है। अच्छा। झालमुरी में अभी बनाऊंगा फिर। अच्छा। ये क्या अलग से? अच्छा खत्म हो जाएंगे बैकअप के लिए। फिर डब्बे वगैरह बनाया सारे चीज़, फिर साइकिल खरीदा, फिर साइकिल पे से जमाया सारा चीज़। अच्छा यहाँ से ग्राहकी चालू। अच्छा इसमें 10 आइटम डल जाते हैं। जी ये परमल है। अच्छा। और ये प्याज है, इसमें धनिया पत्ता, हरी मिर्ची, शिमला मिर्च, आलू है। ये मीठे मिर्चर है, ये चरखे मिर्चर है, मतलब सभी आइटम डल जाता है। सेव नौकरी है, आलू बटले हैं, चने चने, आमचूर मसाले है, ये अमचूर मसाला जी, ये जीरावन है, ये अचार है। अचार? हाँ। ये केचप है, नींबू। अच्छा। मुझे इतना उम्मीद भी नहीं था कि इतना अच्छा चलेगा, फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा चल रहा है ना। फिर सारा सेटअप जमा के फिर निकलता हूँ घर से, ये कि 12 बजे से तैयारी में लग जाता हूँ। मेरी फैमिली का बहुत साथ है इसमें। आइटम चने बटले आलू के साथ झाल मुरे आ गए आपके गली मोहल्ले में। बॉम्बे की भेल 10 रुपए का 10 आइटम चने बटले, वो चने वटले ये सब आलू ये सब बना के देती है। मैं बाहर का सामान वगैरह ला के फिर जमा के साइकिल पे जमा के फिर निकलता हूँ। झालमुरी ये नाम कहाँ का है? ये कलकत्ता की फेमस है झालमुरी। अच्छा कलकत्ता की? हाँ ये कलकत्ता की फेमस है। दस आइटम है। टेस्टिंग बढ़िया।
बैग, स्कूल बैग बनाता था, स्कूल वगैरह बंद हो गए तो मैं गांव चला गया था। मेरा गांव बिहार है तो गांव चला गया था। फिर गांव से आने के बाद स्कूल तो बंद ही था, तो काम चल नहीं रहा था। तो दिन काम करा लेकिन बिल्कुल घर चलाना मुश्किल हो रहा था, फिर ये काम शुरू करा। तो अभी इंशाल्लाह मेरे को 11 महीने हो गया। कैसा लगा था टेस्ट? बहुत प्यारा, 10 रुपये में 10 आइटम में आते रहते हो आप भी? डेली आते हैं, रोज आते हैं। डेली आते हैं, रोज आते हैं। 10 रुपये में मार्केट इनसे रहता है। बढ़िया टेस्ट, बढ़िया टेस्ट, बहुत प्यारा टेस्ट। इंदौर में काम चलता है, इंदौर में भी नहीं मिलेगी आपको 10 रुपये में। आ गए आपके गली मोहल्ले। पूछ ले बच्चे का, मतलब डेली का है? हाँ, ये डेली का है। इसकी छोटू की मीठी? हाँ, ये छोटू की मीठी बनवाता है। हाँ, इसमें बनाता अलग पसंद है। बच्चों की फीकी? हाँ, ये टू आइटम खाता है। लो छोटू, लो भाई, लो छोटू, लो। तो अब साल लगने वाले हैं मेरे को, लेकिन अब घर बार चल रहा है। इससे चने मछली आलू के साथ मैं यहाँ, ये खारी नया पीठा बोलते हैं इसको, तो यहाँ से निकलता हूँ। यहाँ से नया पीठा होके और मच्छी बाजार अटाला बाजार है उधर निकलते हुए अपने राजवाड़े की तरह निकलता हूँ। लेकिन खाने के बाद जो भी है पसंद कर रहे हैं, और सब अपने अपने तरीके से बताते भी कैसे बनाओ, ऐसे चीज डालो, तो इस हिसाब से अपन चलते भी है। एक नंबर क्या, तो सब पसंद भी करते हैं, बुलाते भी है। और बेचता हूँ मैं सराफे में, धान गली में लगाता हूँ, वहाँ भी अच्छी भीड़ भाड़ रहती है, वहाँ भी अच्छे चलते हैं। उसके बाद वहाँ 9:30-10:30 वहाँ से निकलता हूँ, फिर इधर बॉम्बे बाज़ार, और बॉम्बे बाज़ार में इधर पिंजारा वाखल इधर बेचता हूँ। उसके बाद इधर नया पीठा हो गया टाटपट्टी वाखल जाता हूँ, फिर इधर मदरसे में भी बच्चे सब अच्छे पसंद करते हैं। वो लोग भी कम से 40-50 बच्चे है, तो लोग भी कम से 15-20 बच्चे अपना रोज का खा लेते हैं, समझिए 400-500 का रोज का अपना हो जाता है। तो उससे हो जाता है रात में अपने 1-1.5-2 बजे तक अपना बेचते हैं। प्लेन चने और बटले, सब जिसको जैसा पसंद है, बच्चों के हिसाब से। हाँ, जिसको जैसा पसंद है उस हिसाब से। पूरे 10 आइटम हो जाते हैं इसमें? हाँ, इसमें पूरे 10 आइटम। क्या ये भेल झालमुड़ी बोलते हैं? जी, ये नींबू। अच्छा, ये बिना परमल के बना? हाँ, बिना परमल अच्छा बनते हैं।
ये दाने वाली है ना? हाँ, चढ़ के मिक्सर है, सेव नोट की है। भेल खाओ, अच्छी है भेल, अच्छी लगी। दोस्तों मैंने इसमें भेल में बिल्कुल भी परमल नहीं डलवाए, और प्लेन मतलब एक 10 रुपये की भेल में ये 10 आइटम डालते हैं, उसमें परमल नहीं है, पर 9 आइटम का जो कॉम्बिनेशन है बहुत बढ़िया है। जो ऊपर से ये जीरा मसाला डालते हैं वो अलग ही टेस्ट आ रहा है। तो साथियों 10 रुपये में और क्या चाहिए, भैया इतनी मेहनत कर रहे हैं, पहले बैग का धंधा करते थे, अब ये भेल झालमुरी और भेल बेच रहे हैं और गली गली जाके बेचते हैं, पूरे आड़ा बाज़ार में, बम्बई बाज़ार में, सराफा बाज़ार में आपको रात में दिख जाएंगे, रात को लगभग 11-12 बजे तक रहते हैं। तो साथियों कहीं पर भी भैया देखें तो एक बार आप भेल ज़रूर टेस्ट करें और 10 रुपये का ऑर्डर दें या उससे ज़्यादा का भी ऑर्डर आप दे सकते हैं, तो प्लीज़ एक बार टेस्ट करें। तो साथियों मिलते हैं आमचंद इंदौर के अगली वीडियो में, तब तक ध्यान रखिएगा, ये व्हाट्सएप नंबर है, ऐसे ही कुछ ना कुछ मोटिवेशनल स्टोरी हम लोगों को शेयर करते रहिए ताकि हम लोगों का वीडियो बना सकें। तो साथियों ध्यान रखिएगा, टेक केयर एंड बाय बाय।